शुरू कर रहा था यहाँ। 5 सालों में बिल्डिंग तक नहीं बनने दी इन्होंने। रिंग रोड अब आपकी अधूरी है, ऊंचा वाला ओवरब्रिज जो है वह भी अधूरा है। ये सारे कार्य जो सोनिया जी ने शुरू करवाए सब ठंडे बस्ते में डाले गए हैं। तो ये सब बातें आपको बहुत विवेकी से समझने पड़ेंगे, आपको सोच समझकर जिम्मेदारी से अपना वोट देना पड़ेगा। यह वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं है लेकिन आपकी शक्ति है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपके क्षेत्र के प्रति नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के प्रति नहीं लेकिन देश भर के प्रति। आज देश में जो सरकार है वो लोकतंत्र को दबाना चाहती है। जब आप जैसी महिलाएं जिनकी बहुत अच्छी मजबूत आदत है कि आप अपने अधिकारों को मानती हैं, मुझे मालूम है गांव में भी सब हो कि मेरी बहनें जो है कोई गलत करता है तो जाकर वहां पे आप प्रदर्शन करती हैं, आप अपना आवाज उठाती हैं। ये बहुत बड़ी मजबूती है, लोकतंत्र की मजबूती है। ये शक्ति लोकतंत्र ने दी है आपको, किसी नेता ने नहीं दी है। नेता को बनाने वाले आप हैं, नेता की शक्ति आपसे आती है। और जो नेता इस चीज को भूल जाए, जिस राजनीति में जनता को नकारा जाता है या जनता की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, या जो संस्थाएं जनता की शक्ति और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखती हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश होती है, वह देश के प्रति आस्था और देश के प्रति निष्ठा की सरकारें नहीं है। वह ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ अपने प्रति निष्ठा रखती हैं और यह चाहती हैं कि अपना विकास हो, वह आगे बढ़े, वह शक्तिशाली बने। वह नहीं चाहते कि देश के की जनता शक्तिशाली बने। और ऐसी ही सरकार आपने 5 सालों में देखी नहीं तो जब शिक्षा मित्र, जब अध्यापक, जब रोजगार सेवक, जब अनुदेशक, आंगनबाड़ी की बहने, आशा बहुएं, जब ये अपने अधिकारों को मानते, प्रदर्शन करते तो इनकी पिटाई नहीं होती, इनको जेल में नहीं धरा जाता, इनके खिलाफ देशद्रोह कानून नहीं डाला जाता। अगर एक ऐसी सरकार होती जो जनता के पक्ष में काम करती तो आपकी सुनवाई होती, जिसकी समस्या उठती है उसकी सुनवाई होती। आपके बीच इनके नेता आते, आपसे पूछते कि क्या हाल चाल है, कैसे जी रहे हैं। लेकिन मेरे इत्तेफाक से मैं वाराणसी गई, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी के एक भी गांव के अंदर नहीं गए हैं। 5 सालों में उनको इतना समय नहीं मिला कि वो आपके गांव में जाएं और वाराणसी अपने ही क्षेत्र में किसी एक परिवार, किसी एक किसान से पूछ लें कि भाई कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। मैं हमेशा कहती हूँ अगर चले जाते किसी किसान से बात कर लेते तो ये भी पता चल जाता कि आपने हमारे पशुओं के नाम क्या रखे हैं। लेकिन भाजपा के नेता अब हवा में उड़ रहे हैं, उनके पांव अब जमीन पे नहीं रहे, जनता से नाता टूट गया है। इनके इश्तेहार भी आप देखिए तो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम जनता को उपहार दे रहे हैं विकास करके, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी मानसिकता कुछ और है। ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके कुछ एहसान कर रहे हैं, आपके भूल चुके हैं कि एहसान आपने किया है नेता बनाकर। तो आप ये बातें अच्छी तरह से समझ लीजिए, राजनीति आपके लिए है, नेता आप बनाते हैं, उसका धर्म होता है कि आपके लिए काम करे। आपने रायबरेली में कैसा नेता देखा है, आपने सोनिया जी को देखा है। सोनिया जी जब बीमार भी थी, अस्पताल में थी, तब भी मुझे कहती थी कि प्रियंका देखो वहां पे कोई जा रहा है रायबरेली, क्या हो रहा है, काम रुक तो नहीं रहा है। बीमारी में भी आपके बारे में उनके दिल में ये चिंता थी कि वहां काम नहीं रुकना चाहता। वो एक ऐसी नेता है जो आपके हित में हमेशा काम करेंगी, आपके लिए समर्पित रही है और जीवन भर समर्पित रहेंगी। चुनाव आ रहा है, मुझे उनके पक्ष में वोट मांगना भी बुरा लगता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका जो वोट है वो आप वैसे भी समझदारी से देते हैं
विवेक से देते हैं, अपने भविष्य अपने विकास से देते हैं और आपके दिलों में भी उनके लिए उतना ही प्रेम है जितना उनके दिल में आपके लिए है। तो 6 तारीख को अपनी जागरूकता, 6 तारीख को अपनी जागरूकता देश को दिखाइए, देश को दिखाइए कि रायबरेली की जनता जागरूक है, कि रायबरेली में लोकतंत्र मजबूत है, कि रायबरेली में जब आवाज उठती है तो देश भर में वो आवाज पहुंचती है, कि इस जनता को विकास चाहिए, इस जनता को सच्ची स्वच्छ राजनीति चाहिए और इस जनता को ऐसी राजनीति चाहिए जो जनता को आगे बढ़ाए, जनता की महत्वपूर्णता को समझे और जनता का आदर करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी धूप है फिर भी आप ठहरी नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।